TennisCricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अब 18 की जरूरत। कल्पेश मोहित की गेंद और ये देखिए क्या पुल लगाया है, आते ही इरादे साफ करता हुआ मंदार गुरव संगा साडी धावा पूरव और सीधा ये लगा गगनचुंबी छक्का। काला चौकी का ये खिलाड़ी अपने बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और मंदार पर जो दारो मदार है उसको सही कर दिखाया और ये सिक्स के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 32-32 पर और इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से गेंद को निकाल दिया है। अभी भी गेंद देखना होगा, मैदान के अंदर रुकी हुई है। दो रन मंदार गुरव के खाते में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। अब 10 की जरूरत टीम में और इस बार रिवर्स स्वीप लगाते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट और गेंद एक बार फिर से मैदान के बाहर रफू चक्कर 4 रनों के लिए। मंदार गुरव इतनी आसानी के साथ विकेट के दोनों ओर खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो रात भर प्रैक्टिस करते रहे और सीधा आते चार्ज हो गए। ओमकार देसाई 14 रन बनाने के बाद आउट हुए, लेकिन जैसे ही ओमकार आउट हुए मंदार गुरव ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और स्कोर को पहुंचा दिया। अब एक बड़ा शॉट और गेम खत्म। कल्पेश मोहित की गेंद और जी हां, हवा में हिलोरे खाती हुई गेंद, अब कैच करने का प्रयास था लेकिन वहां पर देखना एक कार्यकर्ता को पूछा जा रहा है और क्या डिसीजन दिया जाएगा। जी हां, ये एक बेहतरीन चौका मंदार गुरव के बल्ले से निकलता हुआ, यानी कि अब स्कोर जाकर पहुंच गया है 42 पर 42 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। पहला विकेट गिरा 26 पर जब कल्पेश मोहित ने नवीन गवड़ी के हाथों में ओमकार देसाई को 14 निजी रन पर स्क्वायर कट लगाते समय कैच आउट करवाया। मंदार गुरव आणखीन एक धडाकेबाज फलंदाज काळा चौकी मुंबईचे या वेळेला समोरच्या दिशेने स्ट्रोक खेळताना पाहायला मिळतोय। आकाश तारेकर त्या ठिकाणी पोहोचले, बॉलला अडवले देखील आणि चेंडूची फेक करणे अगोदर दोन धावा पूर्ण देखील केल्या गेल्या। प्रीतम बारी धावसंख्या पुन्हा दोनने पुढे जाताना पाहायला मिळते। चांगली स्पर्धा आज मुंबई नगरीमध्ये आपण पाहतोय। यावेळेला देखील विकेट करण्याचा प्रयत्न, खेळाडू बदलला आहे परंतु रिझल्ट बदलला नाहीये। आणखीन एक षटकार येतोय परी 11 डोंबिवलीसाठी आणि फलंदाज आहेत यावेळेला मंदार गुरव, म्हणजेच आपल्या सर्वांचा काळा चौकीचा बंड्या बॅट्समॅन मंदार बेडा पार, सीधा बेडा पार कर दिया आते ही। मतलब जैसा मैंने सुबह भी बताया था, लोगों ने रात को मोबाइल चार्ज किया, इसने अपने बैट को चार्ज किया है। मंदार गुरव आणखीन एक बिगिट, आणखीन एक मोठा फटका, याही बॉलला पाठवला जात आहे सीमा रेषा पार, षटकार। काय बॅटिंग केली जाते, आतषबाजी या ठिकाणी। दिवाळीला एक महिना अवधी आहे परंतु आज फलंदाजांची दिवाळी देखील होते। चंद्रकांत जी काला चौकी की काली चौकी की कसम, मजा आ रहा है। हे क्रिकेट है, आज सिक्सरच्या